So, दोस्तों आ चुके हैं हम यामा की स्टॉल पर, जहां पर है सबसे ज्यादा भीड़। अब क्यों भीड़ है वो तो आप लोगों को थोड़ी देर में देख के पता चलेगा। आओ शुरू करते हैं और जानते हैं यामा की कौन कौन सी बाइक्स यहाँ आई हुई है। तो सबसे पहले यामा R15 वर्जन 4 यहाँ पर दो खड़ी है, ब्लू कलर के अंदर और ग्रे कलर के अंदर। साथ के अंदर इस तरफ जैसे आप जाते हो वैसे ही FZ का बहुत ही अमेजिंग वाला लाइनअप है, ग्रीन कलर के साथ में। बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है विद फ्लोरोसेंट रिम्स। यहाँ पर ये वाली जो बाइक है इसका हमने पहले वॉक अराउंड बनाया था। साथ के अंदर यहाँ पर FZX है, जिसके अंदर क्रोम वाली बाइक मैं पहली बार देख रहा हूँ। सेम टाइम पर यहाँ पर खूबसूरत फसीनो, ये वाले का हमने पहले वीडियो बनाया था। एक और यहाँ पर यामा RZ, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है। सेम टाइम पर यहाँ जैसे आप आ रहे हो वैसे हाइब्रिड फिलानो करके यहाँ पर दो स्कूटर है। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो, नहीं भी सुन पा रहे हो तो दैट इज़ ओके। बहुत खूबसूरत आपके सामने स्कूटर है, बीचों बीच LED लाइट बिल्कुल फसीनो जैसा दिख रहा है, मगर सीटों का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस है जिसके साथ में लॉक है। इस तरफ हमारे पास में फ्यूल और सीट को ऊपर नीचे करने के बटन है, फ्यूल आप यहाँ से भर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मीटर, जैसे आप यहाँ पर आते हैं वैसे ही यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आपको दिखता है मोटो स्कूटर, जिसके अंदर फ्रंट में बहुत ही खूबसूरत आपको ड्यूअल हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ अंदर की तरफ इंडिकेटर, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही थाई में कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ से फ्यूल भरेंगे कैप ओपन करके, दोनों तरफ बैठने के हिसाब से अच्छी खासी आपकी जगह। ऊपर की तरफ बहुत ही खूबसूरत आपके पास हैंडल बार और यहाँ पर आपके पास में मीटर है। जैसे आप यहाँ देखते हैं सिंगल आपके पास में सीट देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ फिल्टर बॉक्स मिलता है, जिसके साथ में NMAX 155 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। डुअल शॉकर के साथ, बहुत ही बड़े टायर के साथ आपका ये स्कूटर आता है। भाई जी थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। उसके साथ में साइड लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको इस स्कूटर का। जैसे आप बीचों बीच जाते हो वैसे ही बहुत सारी आपको MT देखने को मिलती है। सो MT 03 यहाँ पर लेटेस्ट है, 2 सिलेंडर के अंदर ये बाइक आती है। सामने की तरफ आपके पास में सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत लुक। इस कलर में मैच होती हुई पहले भी MT की बाकी जनरेशन आपको बाइक्स मिलती है। रिफाइंड इंजन है यामा का। सेम टाइम पर जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे आगे पीछे डिस्क ब्रेक, वही खूबसूरत जैसा फ्रंट लुक है वैसे का वैसा रियर में मिलता है। आई रियली विश इस बाइक को मैं जल्दी एक्सपीरियंस कर पाऊँ। सेम टाइम पर यहाँ पर हमारे पास में एक और R15 है, और इस तरफ जब आप देखते हो तो आई गेस यहाँ पर ये कौन सी बाइक है। सो यहाँ पर हमारे पास में MT 03 आई गेस। सेंटर के अंदर हमारे पास में सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा होता है, जिसके साथ में बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक लुक। अच्छा ये R7 है, सॉरी। सो आपके सामने R7 है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला शिफ्टर है, बहुत बड़ा टैंक क्लिपॉन्स। उसके साथ में फ्रंट के अंदर आपको यहाँ से सस्पेंशन आप ट्यून कर सकते हो, वही DNA आपको मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर विंगलेट वाली आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है। बहुत छोटी सी सीट है तो रियर में आप किसी को बैठा है ना, बहुत ही खूबसूरत टेल टाइडी और उसके साथ में बहुत ही खूबसूरत आपको डिज़ाइन। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और अगली गाड़ी कौन सी है सर्च करते हैं, MT 03 कौन सी है। MT 03 के बाद में यहाँ पर हमारे पास में है R3। तो MT 03 और इसके अंदर आपको सेम इंजन मिल रहा होता है, वही एरोडायनेमिक डिज़ाइन, 2 सिलेंडर के साथ ये बाइक आ रही होती है। कुछ दिनों पहले बुध सर्किट पे इसको लॉन्च करा इंडिया के अंदर। फ्रंट में जब आप देखते हैं तो आपको ड्यूअल लाइट्स मिलती है, जिसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प है। ABS फ्रंट के अंदर, रियर में भी ABS चैनल मिल रहा होता है। सेम टाइम पर बहुत ही शॉर्ट यहाँ पर आपके पास में एग्जॉस्ट की डिज़ाइन। सेम टाइम पर इधर की तरफ जब आप देखते हो तो बहुत ही अमेजिंग आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट मिलती है यामा की। यहाँ पर जो टेल लैम्प है इसमें भी डिज़ाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं वैसे ही माइटी R1, सो क्रॉस प्लेन आपको R1 मिलती है। बहुत अलग साउंड है, बिकॉज इसके अंदर जितना भी इग्निशन होता है चारों सिलेंडर में उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग आपको साउंड देखने को मिलती है। आई गेस फ्रंट के अंदर ये जो पैनल है ये सारे के सारे कार्बन फाइबर है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, मतलब फेक कार्बन नहीं है, दिखने में एक्चुअल कार्बन है। सेम टाइम पर ओलिंस के आपको सस्पेंशन मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, 4 सिलेंडर, क्या मधुर इसकी आवाज़ है। जयपुर में हमारे एक दोस्त थे, उनके पास सबसे पहले हमने R1 देखी थी बचपन में। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही इसमें स्लीक टायर्स हैं, और पीछे की तरफ भी कार्बन फाइबर का यूज़। बहुत खूबसूरत बाइक, और सेम टाइम मेरी शर्ट से और यामा की बाइक दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। आई रियली विश कि मैं जल्दी ही इन बाइक्स का एक्सपीरियंस ले पाऊँ, जैसे भी हो पाए, बट जब तक नहीं होता
तब तक आप लोगों को दिखाते हैं बहुत खूबसूरत एरोक्स। सो जयपुर के अंदर एरोक्स का हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। 155 सीसी के अंदर लिक्विड कूल्ड जो इंजन है, परफॉर्मेंस भी बहुत अमेजिंग है। साथ के अंदर इस कॉस्ट में आपको कोई भी मोटर स्कूटर नहीं मिलता। अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम आई रियली विश कि मैं जल्दी यामा के किसी स्कूटर पे रीली मारता हुआ मेरी जवानी को एंजॉय करूं। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना, हेलमेट लगाना, सेफ रहना और मिलना अगले नए व्लॉग में। तब तक बाय बाय।